राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे दे। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी, वोट के लिए कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है, वोट आप ले लो सारे। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पर लिखा, मैं कमेंट नहीं देता। आईएएस फूट फूट कर क्यों रोए? आखिर क्यों पास नहीं हो पा रही सरकार की स्कीम? 8 महीने हो गए आज, 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया, मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है? उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने, मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं भिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम। तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है? कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो? ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी। इसलिए इतना लड़ रहे हैं, सर्विसेज करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं ये सर्विस? नीयत खराब है इन लोगों की, सर्विसेज चाहिए सर्विसेज। इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है, दिल्ली वाले दुखी हैं। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी अभी इन्होंने, भिदूरी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते भिदूरी जी, राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे दे। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी, वोट के लिए कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है, वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट। हमें तो सेवा करने का मौका मिला है, यही भगवान ने, कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं एलजी साहब के पास गया, मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा एलजी साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने, खबरदार, अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एलजी साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस
सदन के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एलजी साहब एक बार अगर आप फोन भी कर देंगे उठा के इन अफसरों को कि भाई ये स्कीम पास करनी है, शाम तक स्कीम पास हो जाएगी, इतना ही है बस, 3 घंटे में स्कीम पास हो जाएगी, 3 घंटे का है। मेरी एलजी साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के सारे सदन की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से मेरा निवेदन है, एलजी साहब इस स्कीम को आप अफसरों को फोन कर दो और वो कर दें, और अगर आपके फोन के बावजूद नहीं करें तो एलजी साहब के पास पावर है इनको सस्पेंड करने की, हमारे पास तो नहीं है, तो इन अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए अगर उसके बावजूद भी ये लोग ना करें। यहां जितने आप लोग बैठे हैं, मेरी आप सब लोगों से निवेदन है, जितने एमएलए बैठे हैं, इन 10.5 लाख परिवारों के घर घर जाना, एक एक के घर जाना आप लोग, और घर घर जाके जनता से कहना कि आपका बिल गलत आया है जी, वो कहेगा हाँ जी आया, बोलो जी ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, पर चिंता मत करो आपका बेटा लगा हुआ है, आपका बेटा आपका बिल ठीक करा के छोड़ेगा, जब तक ठीक नहीं हो जाता बिल भरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जल बोर्ड के चक्कर काटना बंद कर दो, केजरीवाल है, आपका बेटा है आपके साथ, घर घर जाना और घर घर जाके इसको करा के आना।